Welcome to our channel EME Technologies, and please like and subscribe the channel. So if you want a new update, so just click on the bell icon so that you can get the latest update. Thank you very much. Hello friends, I am Vinay Kumar Nim from Desh Bhagat University. Actually मैं EME में अभी 6 months की robotics की training कर रहा हूँ. EME पे मैंने बहुत research करा है. ये एक government ISO certified company है. तो आने से पहले मैंने रिसर्च जरूर करा है. मैंने EME क्यों चूज़ करा, एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल है. तो EME आने से पहले ना मैं कई सारे कंपनीज गया अक्रॉस मोहाली चंडीगढ़, तो उनके सर्विसेज में मैं सेटिस्फाइड नहीं था. तो EME इसलिए मैंने चूज़ करा क्योंकि मेरी जो मीटिंग थी डायरेक्ट MD सर से हुआ था, मिस्टर सुनील भूटानी, एंड उन्होंने पूरा नॉट ओनली कंपनी के बारे में बताया, अबाउट मेरा कोर्स, ऑब्वियसली मेरे कोर्स में क्या होने वाला है, पूरा मॉड्यूल बताया कि क्या क्या आप करने वाले हो, क्योंकि 6 महीने पूरा वेस्ट नहीं होगा. तो उन्होंने पूरा कोर्स के बारे में बताया, ही गाइडेड मी, एंड उन्होंने फिर डायरेक्टली मेरे पर्सनल ट्रेनी यानी कि मिस्टर मुनीश शर्मा से मुझे मिलाया था, जो मुझे हैंडल करने वाले थे फॉर 6 मंथ्स. तो एक्चुअली उन्होंने पूरा वो बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं. तो वो काफ़ी वेल नॉलेज्ड है थियोरेटिकली एंड एज वेल एज प्रैक्टिकली. तो इन मेरा एक्चुअली 2 महीना हो चुका है, जनवरी एंड फेब ले लो, मार्च अभी स्टार्ट होने वाला है. तो मेरा 2 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीखा थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली. तो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग बेसिक ये था कि मेरा 2 घंटे का मेरा थ्योरी का क्लास होता था, उसमें सारी थ्योरी कर ली, एंड मुझे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिला था कि थ्योरी क्लासेस के बाद लंच पे उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी आ सकता था, जिसमें लाइक डाउट सेक्शन होता था एंड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए. तो उन टाइम में मैंने अभी तो एम्बेडेड का पूरा वो कर लिया, जो पिछले ट्रेनिंग मेरा ढंग से कवर नहीं हुआ था, तो एम्बेडेड का मैंने पूरा वो कवर अप कर लिया, एंड प्रोजेक्ट्स का मैंने 2-3 वो सीखा है अभी. पहले तो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे रिगार्डिंग लाइन फॉलोअर, और दूसरा वॉइस कंट्रोल रोबोट था आर्डिनो को यूज़ करके. बट ये था कि इन दोनों से मैं सेटिस्फाइड था नहीं, तो मुझे और सीखना था रोबोटिक्स में. तो ये मैंने मुझे बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि रोबोटिक्स सीखने का एंड प्रैक्टिकली. तो MD सर से मेरा कह लो कि डील हुआ है कि मुझे 2 प्रोजेक्ट्स मुझे सबमिट करने हैं. तो हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट. तो अभी तो 2 प्रोजेक्ट्स मैंने डिसाइड ये करा है कि मैं एक हेक्साबोर्ड बना रहा हूँ एंड सेंसर्स के ऊपर काम करने वाला हूँ, फ्लेक्स सेंसर्स, जो आजकल बहुत अच्छा वो हो रहा है. ह्यूमनॉइड का ज़माना है, तो डेफिनेटली कुछ तो सीखना पड़ेगा उसके बारे में. तो उन दोनों पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ. एंड एक और स्पेशल चीज़ है, सैटरडे मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन सेक्शन यानी कि एक PD क्लास की तरह बोल लो, कई बार डाउट सेशन भी हो चुका है एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन होती है एंड PD क्लासेस भी होता है. एंड बीच में कंपनी में एक जॉब फेयर की तरह एक कंपनी आई थी, तो यहाँ पे मुझे पार्ट टाइम जॉब का मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था जिसमें सेलेक्ट हुआ था. एंड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. एंड यहाँ पे ट्रेनिंग का टाइम भी बड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी टाइम वो कर सकते, बट हाँ जरूर वो पूरा वो करना है. तो 2 आवर्स का मेरा क्लास था एंड बाकी टाइम मेरा हार्डवेयर उसमें चलता था, मतलब लाइक 2 आवर्स का थ्योरी एंड बाकी टाइम प्रैक्टिकल. तो हाँ, पूरा ट्रेनिंग मेरा यूटिलाइज हो रहा था पूरा. एंड मैं तो बस अब ये है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग जो यहाँ प्रोवाइड करा जा रहा है. तो इन फ्यूचर अगर कोई भी लाइक ज्वाइन करना चाहे, चाहे मेरे जूनियर्स हो चाहे मेरे दोस्त हो, दे आर फ्री टू ज्वाइन हियर. एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने MD को थैंक करने वाला हूँ, मिस्टर सुनील भूटानी, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया, मुझे प्रोवाइड किया सर्विसेज. एंड डेफिनेटली मैं अपने ट्रेनी को भी थैंक्स करूँगा जिन्होंने मुझे अभी गाइड करा. एंड फ्यूचर में भी ये है कि ये नहीं कि लाइक EME से निकलने के बाद मैं पूरा वो बोल रहूँगा, ये है कि इनके कोलाब्रेशन में कई सारे प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ एंड डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी तो पक्का है यहाँ पे. तो रियली मैं यहाँ के पूरी EME
टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आई एम इन सेफ हैंड्स. तो डेफिनेटली थैंक यू एवरीवन.